पंजाब में जट और दूसरे राज्यों में जाट नाम से संबोधित की जाने वाली जाति वर्तमान समय में सबसे प्रतिष्ठित जातियों में से एक मानी जाती है। जाट क्षत्रिय समुदाय के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इनका विस्तार भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि भारत के पठारी इलाकों में है। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाट जाति के इतिहास के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जाट समाज के लोग आज के आधुनिक युग में अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस जाति की सामाजिक संरचना बेजोड़ है। जाट समाज की गोत्र और खाफ व्यवस्था प्राचीन समय की मानी जाती है। जाट समाज की उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं हैं। इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जाट शब्द की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहा गया और बाद में युधिष्ठिर की संतान को जेठर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया जेठर समय के अनुसार जाट नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस मान्यता के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति युधिष्ठिर से मानी जाती है। इसके अलावा एक प्राचीनतम कथा के अनुसार भगवान शिव शंकर से जाट समुदाय की उत्पत्ति को जोड़कर देखा जाता है। इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी देव संहिता नामक पुस्तक में लिखित है। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और शिव की पत्नी सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को पिता के इस यज्ञ के बारे में खबर मिली तो भगवान शिव से बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ कार्यक्रम में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर आज्ञा दे दी कि तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। शिव से अनुमति लेकर सती अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ कार्यक्रम में जा पहुंची, लेकिन वहां सती को अपमानित किया गया और भगवान शिव के बारे में भी बुरा भला कहा गया। इस बात पर क्रोधित होकर सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो वह क्रोधित हो उठे और अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण को बनाते हैं। वीरभद्र यज्ञ आयोजित किए जाने वाले स्थान पर जाकर नरसंहार करता है और भगवान शिव के ससुर दक्ष का सर काट देता है। इस नरसंहार को रोकने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान शिव से राजा दक्ष को माफ़ करने की याचना करते हैं। सभी देवी देवताओं की विनती के बाद भगवान शिव शांत हो जाते हैं और राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस कथा के अंतर्गत जो इस कहानी में वीरभद्र नामक किरदार है उसे जाट समाज का पूर्वज माना जाता है। कई पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि वीरभद्र से जाट समुदाय की उत्पत्ति हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है। इतिहासकार सुखवंत सिंह के अनुसार जाट क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक असली जाट स्वाभिमानी और परोपकारी स्वभाव का होता है जो कमज़ोर लोगों की सहायता करता है। जाटों ने कभी ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं किया। जाट समाज के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं जिसे भंडारा कहा जाता है। इस जाति के लोग भगवान कृष्ण को भी अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। जाटों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन मुख्यतः मूल रूप से इस जाति के लोग भारतीय हैं। जाटों की वर्तमान स्थिति पहले से बेहतर है। ज़्यादातर जाट मुख्य रूप से खेती करते हैं। इस जाति के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आजकल भारतीय खेल जगत में जाट जाति के लोगों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जाट जाति के लोग खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जाट समाज के लोगों की आर्थिक ग्रोथ रेट अन्य जाति के मुकाबले बेहतर है। 21वीं सदी के पूर्वार्ध में पंजाब की कुल जनसंख्या का 20% जाट थी। लगभग
10% जनसंख्या बलूचिस्तान, राजस्थान और दिल्ली तथा 2-5% जनसंख्या सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत और उत्तर प्रदेश में रहती थी। पाकिस्तान के 40 लाख जाट मुस्लिम हैं। भारत के लगभग 60 लाख जाट दो अलग अलग जातियों के रूप में विभाजित है। एक सिख है जो मुख्यतः पंजाब में केंद्रित है और दूसरा हिंदू है। इतिहास में महान जाट की बात करें तो सबसे पहला नाम महाराजा रणजीत सिंह का आता है। महाराजा सूरजमल, तेजाजी, महाराजा जवाहर सिंह, राजा पोरस जैसे कई महान जाट इतिहास में हुए। जाटों के ठेठ भारतीय होने का एक प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग श्रेष्ठ किसान होते हैं। बैल और भैंस रखना उनकी विशेष आदत है। भारत में खेती होने का प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व के मिले हैं। इराक तक भैंसें ले जाने का काम भारतीय जाटों ने किया था। हुकम सिंह यूरोप में बी ब्लड ग्रुप ले जाने का श्रेय जाटों को देते हैं। जाट जाति का संबंध मुख्यतः भारत में पाए जाने वाले प्रख्यात आर्य परिवार से है। भारत में रहने वाले आर्य परिवार 3 वंशों से संबंधित थे, नागवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जाटों का रक्त संबंध मुख्यतः नागवंशी और चंद्रवंशी आर्यों के साथ है, लेकिन कुछ इतिहासकार उनका संबंध सूर्यवंश से भी मानते हैं। इतिहासकार कानूनगो मानते हैं कि महाभारत काल में जाट सिंध में बसे हुए थे। महाभारत युद्ध के पूर्व भी सिंध प्रदेश के संबंध में जाटों का उल्लेख आता है। दुर्योधन के शासनकाल में जाट और मेड़ वहां निवास करते थे और परस्पर युद्ध हुआ करते थे। अंत में जाट विजयी रहे और मेड़ों पर राज करने लगे। समयांतर में जाटों के एक सरदार ने दोनों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए समझाया और महाराजा दुर्योधन से अपने लिए एक शासक भेजने को कहा। इस पर दुर्योधन ने अपनी बहन दुशाला को सिंधु प्रदेश का शासक नियुक्त किया। जाटों का विदेश में जाना तो ठोस सत्य है, लेकिन उनका लौटकर भारत आना भी उतना ही सत्य है। कुछ समय के लिए जाट आर्यों को अथवा उनके वंशजों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बाहर के देशों में रहना पड़ा, परंतु स्थितियां अनुकूल होने पर पुनः भारत लौटकर आए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, जाट जाति के इतिहास के बारे में यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।